खरगोन जिले की नर्मदा नदी में डूबने से एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है, जब बालिका अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने गई थी। दरअसल मामला कसरावत तहसील के ग्राम नावड़ा तोड़ी का है, जब 3 सहेलियां नर्मदा नदी में नहा रही थी। इस दौरान शिवानी नामक बालिका अचानक गहरे पानी में जाकर जलमग्न हो गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बालिका के शव को निकाला। बालिका की मौत के साथ स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। वहीं मीडिया से रूबरू स्थानीय गोताखोरों ने मीडिया के माध्यम से गुजारिश की है कि नावड़ा तोड़ी घाट पर गोताखोर नियुक्त किए जाए, जिसकी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। लड़की डूबी, कैसे डूब गई है? सर, ये आज सुबह की घटना है। सुबह से ग्राम नावड़ा तोड़ी में सिमरन पिता सुरेश, जो सरवर देवला के पास में रहते हैं, ये नहाने आए थे। उनके संग 3 लड़कियाँ और आई थी। 2 लड़कियों को तो मौका वारदात तो बचा लिया गया, पर ये क्या बालिका थोड़ी सी दूर चली गई थी, बहाव के कारण इसको नहीं बचा पाए। जैसे हमको खबर लगी, गोताखोर ऊपर से दौड़ते हुए आए और इस बालिका को भी फटाक दिन सुनने, सब गोताखोरों ने अपनी मेहनत के अनुसार निकाला इसको और ऐसी घटना घट गई। इसके हमने बहुत प्रयास भी किए गोताखोर लगाने के लिए, खरगोन भी कलेक्टर ऑफिस में भी हमने आवेदन दिया है, पर आज तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसी घटनाएँ ना घटे और प्रशासन के द्वारा यहाँ गोताखोरों की नियुक्ति की जाए, ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना घटे। क्योंकि ऐसी घटनाओं को हमारे गांव में होती है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि माता पिता उनके नाम के बिलखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि आगे हमारे गांव में गोताखोरों की नियुक्ति की जाए, बस यही। अच्छा, ये निकाला है तो आप ही लोगों ने निकाला उनको? हाँ, हमारे यहाँ के गोताखोरों ने निकाला है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ के प्राउड जो लोग हैं वहीं ने निकाला? जो लोग गोताखोरी है वो सब, हाँ, उन्होंने निकाला है। बाकी सरकार की तरफ से कोई आपको नहीं सुविधा मुहैया है? कोई सुविधा नहीं मिलती सर। अच्छा, कोई आपको राशि वगैरह कुछ दी जाती? नहीं, कोई राशि वासी नहीं। इसके पहले भी कोई घटना हुई थी आपने? इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। कल भी दो को बचाया, कल भी दो व्यक्तियों को बचाया। कल एक बालिका डूब रही थी, तो शाम को ही नहा रहे थे। अच्छा, डूब चले गए तो हमने शाम को बचाया। आपका नाम क्या है? बलराम केवल। निवास? नावाटोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।